अफगानिस्तान के लिए गुरबाज। अच्छा ये कौन से ग्राउंड पे हो रहा है? ये चेन्नई। चेन्नई में हो रहा है ना? तो ये हर जगह इनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही है। वहां स्पिनर, वहां छोटा ग्राउंड, ये करेंगे क्या? वहां तो पेसर्स को कुटाई पड़ रही है। अब यहाँ वही बात आती है, करे तो करे क्या यार, बोले तो बोले क्या? बेंगलोर में यार ये तुमने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान के साथ। अच्छा किसने नहीं किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान के साथ। ये हो रहा है इनके साथ। तुमने इनको ऑस्ट्रेलिया दे दिया चिन्नास्वामी में, और तुमने इनको अफगानिस्तान दे दिया चेन्नई में। एक नया रोना, एक नया बहाना आने वाला है। अब समझ गया बहाना पहले आने वाला है। नहीं यार ये तो मुझे बुरा लग रहा है। जो मर्जी बोल ले। अरे चैलेंज यही तो है, तुम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो चिन्नास्वामी में, और तुम अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो चेन्नई में। और लेकिन पॉजिटिव साइड, अगर पाकिस्तान ये दोनों मैच जीत गया फिर रोक के दिखा लो, फिर तो पहुंचने वाले। अबे यार ये तो बिल्कुल ये हो गया, चिन्नास्वामी में ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराएगी भाई ये टीम? एक सिक्स सीटर नहीं है यहाँ पे, एक छक्का नहीं लगा इनसे 2023 में। मैं जब मोहम्मद यूसुफ भाई के सामने बोला था समान न्यूज में, वो भी सोच रहे थे अंदर, बात तो सही कर रहा है लड़का, एक छक्का नहीं मारा 2023 में, एक छक्का इंडिया वाले मैच में एक छक्का नहीं लगा। रोहित शर्मा ने अकेले 6 छक्के मार दिए, श्रेयस अय्यर कल का बच्चा आकर छक्के मार रहा है, पावले में 4 लगा दिए रोहित। क्या करोगे चिन्नास्वामी में? शक्ले देखोगे दूसरे की? चिन्नास्वामी का यार, और तुमने एक तो तुमने इनको चिन्नास्वामी दे दिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऊपर से बेड़ा गर्क करने के लिए यार चेन्नई में अफगानिस्तान, तुमने इनको चेन्नई में दे दिया अफगानिस्तान, ये तो भाई बाहर हुआ भाई। अच्छा ये मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, नफरत नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, आप बाहर हो बिकॉज आपने चिन्नास्वामी में ऑस्ट्रेलिया के नहीं खेल पाओगे, और चेन्नई में भी मुझे लग रहा अफगानिस्तान जीत। अच्छा एक पॉजिटिव बात ये है, अगर आप ये मैच जीत गए अपनी मेहनत से, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, मेहनत अपनी होगी क्या तो आप जीत। यार इनका गाना है, गाना है इनका, इनका थीम सॉन्ग है, तो भाई आप जीत सकते हो। पाकिस्तान कभी ना भूलो बोलते हो ना आप, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा लो चिन्नास्वामी में, और अफगानिस्तान को हरा लो चेन्नई में। सॉरी यार ये बहुत डिफिकल्ट है, सॉरी डिफिकल्ट है भाई। अच्छा यहाँ पे आ जाओ गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, रहमत शाह, शाहिदी, नबी, अजय इकरम ने बहुत बढ़िया खेल रिया, अजमतुल्ला, राशिद, इनकी बैटिंग देख लो, मुजीब ने भी पिछली बार मारा था इनको 50 मारे मुजीब ने, इनकी बैटिंग 9 नंबर तक, बैटिंग इनकी चल गई तो आप चलना शुरू कर देना वाघा बॉर्डर तक चलना शुरू कर देना। यहाँ पे शफीक ठीक है, नया आया बच्चा, इमाम पर्ची बाहर करो, इमीडिएटली बाहर करो, फखर को लाओ, बाबर आजम ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट टू यू, रिजवान अच्छा खेल रहा है, ऑल द बेस्ट टू यू, बट स्पिन के सामने सॉरी उसे इनके बस की नहीं है। साउथ शकील को लेके आए स्पिन खेलने के लिए, देखते हैं साउथ शकील क्या करता है। इफ्तिकार अहमद सॉरी, कल भी देखा कुलदीप, यार भाईजान हमको हमारे पैरों के पीछे से बोल्ड मार दिया, ये तो गलत बात होता है, आप मेहमान को बुला के पैरों के पीछे से बोल्ड मारते हो। उसके बाद देख लो शादाब खान, सॉरी माजरत है, स्पिन में इनके बस की नहीं है। मोहम्मद हफीज सॉरी मोहम्मद नवाज, नो ब्रदर नो, हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रॉफ, जिस पिच के ऊपर असिस्टेंस मिलेगी स्पिनर्स को, तुम्हारे पास स्पिन पे क्या है? आपके पास स्पिन क्या है? शादाब एंड नवाज, जे के एंड एल, और यहां पे स्पिनर क्या है? मुजीब, राशिद, नबी, हो सकता है वहां नूर को भी डाल, हाथ जोड़ लो पहले, प्रे कर लो, अगर आ गया नूर विक्ट्री हो जाएगी पाकिस्तान से बहुत दूर, तो बहुत दूर। ये आपने पांडे जी आपने ये यहाँ पे षड्यंत्र हुआ है, ये गलत बात है, तुम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच रख लिया चिन्नास्वामी में, तुम लोगों ने रख लिया अफगानिस्तान वाला मैच, तुमने चेन्नई में रख लिया, ये मैच ये चीटिंग है, यही तो चैलेंज है, ये चीटिंग है, ये गलत है, हर मेन्यू मिलेगा आपको, ये गलत है। तुमने मैं चाहता था कि पाकिस्तान टॉप फोर में आए, तो क्या इनकी टीम नहीं है? अगर आपके सेमीफाइनल खेलना है फिर तो इनकी टीम नहीं है। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है वर्ल्ड कप का, अगर ये चाहते हैं जो मिकी आर्थर ने कहा कि जब फाइनल वी वांट टू मीट इंडिया इन द फाइनल्स, वो तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो ना, बेंगलोर चैलेंज है यार, तुम इनको देते अफगानिस्तान चिन्नास्वामी में, तुमको देते ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में। अच्छा आपको पता है इन्होंने रिक्वेस्ट करी, पाकिस्तान दोनों टीम दोनों मैच जीत, आपको पता है इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, तो फिर मैं बता रहा बैंगलोर में कराऊं, मैं क्यों बताऊं, पता क्यों? अफगानिस्तान के अगेंस्ट छोटा ग्राउंड मिलता, ये मारते फटाफट इनको, ठीक है ना, स्पिनर वहां पे इफेक्टिव नहीं होते, खटाखट रन मारते, इनके सारे लड़के रन मार देते, उस दिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, छोटा ग्राउंड भी होता, बाउंड्री भी, उस दिन ये कंप्लेंट भी करते कि भाईजान बाउंड्री छोटी है, इनको मजे आते। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लो स्कोरिंग मैच होता, लो स्कोरिंग में ये शेर है, लो स्कोरिंग में ये टुक टुक करके जीत सकते हैं,
तो आपने उल्टा कर दो ग्राउंड, तो इनको एडवांटेज हो सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया फिर भी इनसे जीत सकता है चेन्नई में भी, लेकिन अफगानिस्तान को तो ये पक्का हरा देते चेन्नई स्वामी। आपको पता है रिक्वेस्ट आई थी, अफगानिस्तान को ये 100% चेन्नई स्वामी में हरा सकते थे, बट अफगानिस्तान को ये चेन्नई में ना हरा पाएंगे मुझे नहीं लग रहा, स्पेशली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे हो। वैसे तो फिर बहाना हो तो फिर न्यूजीलैंड भी कर दे। बहाना क्या है यार, अफगानिस्तान वाला मैच हमें यार, बहाना क्या है इसमें, मतलब आप देखो ना बहाने मिलेंगे ना, अब बहाने मिलेंगे ना कि वहां स्पिन ज्यादा हो रही थी, ये हो गया। मैंने कहा अच्छा अगर ये हार जाते हैं हाइपोथेटिकली ऑस्ट्रेलिया से, अगर मान लो अभी हम बात करते हैं कि ये कहीं ऑस्ट्रेलिया हरा देता है जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है बैंगलोर में, तो फिर वो बहाना आएगा कि यार ग्राउंड छोटा था, पिच में बैटिंग असिस्टेंट थी, ऐसे सारी बातें भी होंगी कि यार फ्लैट ट्रैक बना दिया। फ्लैट ट्रैक को लेकर तो बात हो रही है, तो करते ही हैं, हैदराबाद से फ्लैट ट्रैक को लेकर बात हो रही है, बैंगलोर में तो अभी ज्यादा फ्लैट ट्रैक, हाईवे हाईवे कर रहे हो जो ये, वहां तो वहां तो छक्के पड़ते हैं दूर दूर भाई, जो अभी बोला ना एमजी रोड पे भी जाके गिरती है, तो भाई बहुत लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं। जो अभी बोला गया ना कि ये जो वेन्यू स्विच होने चाहिए, ये रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिफोर वर्ल्ड कप, जो कि सब नहीं हुई। बहुत ही चालू लोग हो तुम, तुमने बहुत गलत चीज करी है। चिन्ना स्वामी में रख लिया है, चिन्ना स्वामी में रख लिया ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई में रख लिया अफगानिस्तान। अब मुझे दिखा दे प्लेइंग 11 जो है ऑस्ट्रेलिया की और प्लेइंग 11 जो है आपकी पाकिस्तान की, बिकॉज अगर आप देखो चिन्ना स्वामी के अंदर डेविड वॉर्नर, मिच मार्श, स्टीव स्मिथ चलो ठीक है, लबुशेन भी ठीक है, इंग्लिश मैक्सवेल तो वहीं पे खेलता है, आरसीबी का ही है, स्टॉइनिस, कमिंस, स्टार्क खेल चुका है आरसीबी के, 9 नंबर तक बैटिंग, यहां से अब्दुल्ला शफीक नो ठीक है चलो अच्छा प्लेयर है, इमामुल हक नो, बाबर आजम नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, रिजवान ठीक है लेग साइड पे लगा सकता है, साउथ चकी लोग के इफ्तिकार अहमद बड़े हिट लगा सकता है, शादाब खान ठीक है, मोहम्मद अजवाज भाई, आपके बॉलर जो है ना हारिस रॉफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, और वहां के जो बैटर है वार्नर, मार्श, स्मिथ, लबुशेन, इंग्लिस, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, भाई ये बहुत मारेंगे, खत्म कर देंगे, बहुत मारेंगे चिन्ना स्वामी में, बहुत मारेंगे। मेरे को लग रहा है पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तुम स्पिनर भी रख लोगे वो भी मार खाएगा, उसामा मीर खिला लोगे वो और मार खाएगा, हारिस की सेंचुरी आ रही है, देखो स्पिनर्स उस ग्राउंड में थोड़े से इफेक्टिव हो सकते हैं, जहां थोड़ी सी बाउंड्री लंबी हो, उसामा मीर को इस ग्राउंड में मिस हिट भी छक्का जाएगा आराम से। और आपके स्पेशली मैं हिटर्स देखूं, जो आपने पूरे के पूरे 2023 में पावर प्ले में एक छक्का नहीं मारा भाई, वो कम से कम 10 छक्के मारेंगे, 10 तो नहीं चलो कम से कम 6-7 छक्के मारेंगे आराम से, आराम से चल मार्च को 10 भी सही है। आपको यहाँ पे छक्के मारने वाले बैटर चाहिए, इसको इमाम को करो ड्रॉप, फखर जमान को करो इन, वरना तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, बाबर आजम को भी जैसे इस मैच में खेला था ना इंडिया में अटैक करके, वो ही करना पड़ेगा, बाबर आजम, रिजवान, साउथ शकील, इन सबको अटैक करना पड़ेगा, और फिर भी चाहे तुम ना बचो। अच्छा इनकी बॉलिंग, हेजलवुड भी यहाँ पे बॉलिंग करा चुका है, जैम्पा भी, स्टार्क भी, कमिंस भी, इनको पता है कि ये इतना सा ग्राउंड है, स्पेसिफिकली मैक्सवेल को, बिकॉज मैक्सवेल आरसीबी से ही खेलता है, प्लस मिचेल मार्श पता नहीं बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, बट इनके पास बहुत बॉलिंग के ऑप्शंस है, तुम्हारे पास बॉलिंग के ऑप्शंस ही नहीं है, तुम्हारे पास 5 बॉलिंग के ऑप्शंस है, और अगर तुम समझ रहे हो कि इस ग्राउंड के ऊपर इफ्तिकार अहमद को बॉल दे दोगे भाई एक ओवर में 3-4 छक्के पड़ जाएंगे, यहाँ पर हसन अली पिटेगा इस ग्राउंड के ऊपर, चिन्ना स्वामी का ग्राउंड एक बार लक्षित वो दिखाना, चिन्ना स्वामी की डायमेंशन भी दिखा दो, चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे आप अगर 5 बॉलर के साथ जा रहे हो, 5 कुटापा होगा, 6 इफ्तिकार अहमद, उसको एक ओवर में 3-3 छक्के पड़ेंगे, इस ग्राउंड में आप बच नहीं सकते, और ये आपके लिए मैं बता रहा हूं बार बार, डू और डाई मैच है, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया वो टॉप 4 में आएगा ही आएगा, दोनों के लिए, और फिर टॉप 4 हो जाएगा इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख लेना मेरे भाई, ये ज्यादा चैलेंजिंग टॉप 4 है, बहुत चिन्ना चिन्ना स्वामी तो मुझे याद ही नहीं था भाई, दैट चेंजेस एवरीथिंग, बैंगलोर में मैच है, चिन्ना स्वामी चेंजेस एवरीथिंग, आप ऊपर से नीचे तक देख लो, ऑस्ट्रेलिया के साथ 4-5 प्लेयर तो आरसीबी के लिए, अच्छा वैसे टॉप 4 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा मजा आएगा सेमीफाइनल में, पाकिस्तान आ गया यार, पाकिस्तान को लेके आओ, मजा नहीं आएगा, देखो पाकिस्तान को लेके आओ, पाकिस्तान को लेके आओ, हमें वी वांट पाकिस्तान इन टॉप 4, वी वांट पाकिस्तान इंडिया फाइनल, दैट इज व्हाट वी वांट, एक बार चिन्ना स्वामी के वो भी दिखा देना, अभी मैंने आपको दिखाया था ऑस्ट्रेलिया की साइड और पाकिस्तान की साइड, भाई चिन्ना स्वामी में आई डोंट थिंक पाकिस्तान बचेगी, नहीं बचते, अच्छा एक बार फिर से फिक्स्चर दिखा यार, अब बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से तो ये हार रहे हैं, चिन्ना स्वामी में नहीं बचने वाले, बट फिर अब अफगानिस्तान भी दिखा दे, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के पाकिस्तान आएगी वर्सेज अफगानिस्तान, अच्छा अगर पाकिस्तान जीत गई 1%, अच्छा परसेंटेज वाइज बता दूं चिन्ना स्वामी में अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया 80% ऑस्ट्रेलिया 20% पाकिस्तान है,
चिन्नास्वामी में। अब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कराने अपने पे आ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चिन्नास्वामी में तो जीतना चाहिए। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, जैसे मैंने बोला 65% पाकिस्तान 35% अफगानिस्तान। मैं अभी टीम्स देखता हूं, दोनों की टीम्स देख के बताता हूं, और चिन्नास्वामी का आपको डायमेंशंस भी दिखा देंगे। चिन्नास्वामी ग्राउंड देख लो, 73 मीटर सीधा दिखा रहा है, ये चीटिंग है, ये इतना नहीं है। नहीं नहीं, ये अहमदाबाद की है, ये तो अहमदाबाद दिखा दिया आपने, ये अहमदाबाद है, ये चिन्नास्वामी नहीं है, ये अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद है लक्षित यार, गलत दिखा दिया आपने। तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है वहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में। मेरे को अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान दिखा यार, बिकॉज नेक्स्ट मैच है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, और वो होगा असली नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया हरा रही है पाकिस्तान को, सॉरी, ये पाकिस्तान ने एक्साइटिंग कर दिया, ये टूर्नामेंट एक्साइटिंग हो गया, पाकिस्तान के दो में से दो हरा हो जाएगी, दो जीते हुए बाकी बचे हुए पांच मैच, पांच में से चार जीतने हैं, पांच में से चार जीतने हैं, छह के लिए, छह के लिए, और नेट रन रेट को ठीक रखना है। अब यहां पर ये करना, कम से कम चिन्नास्वामी में कम से कम बिल्कुल बुरी तरह सरेंडर मत करना, जैसे इंडिया से हारे थे, सरेंडर नहीं करना, फाइट करना पूरी।